लैक्टोज फ्री डाइट कॉमन ईटिंग पैटर्न है जो कि लैक्टोज के कंज्यूमेशन एलिमिनेट या रिस्ट्रिक्ट कर देता है। दोस्तों लैक्टोज एक टाइप की शुगर होती है जो मेनली मिल्क में पाई जाती है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट एकमात्र ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें लैक्टोज पाया जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे बेक्ड गुड्स, कैंडीज और केक मिक्सचर में भी लैक्टोज पाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग लैक्टोज फ्री डाइट को चूज़ करना प्रेफर करते हैं, लेकिन तब भी कई बार ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो अच्छे से इस डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि लैक्टोज फ्री डाइट में क्या एडेड होना चाहिए और क्या नहीं, और लैक्टोज इंटॉलरेंस का कंडीशन में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैक्टोज एक टाइप की शुगर होती है जो कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में पाई जाती है, और इसका ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में एक एंजाइम के थ्रू होता है जिसका नाम होता है लैक्टेज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के स्टमक में यह एंजाइम प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, और इसी वजह से वो लैक्टोज को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन को दोस्तों लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। एक सर्वे रिपोर्ट की माने तो ये देखा गया है कि दुनिया की पॉपुलेशन के करीब 65% लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन देखी गई है, और वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। और ऐसे लोगों में लैक्टोज को कंज्यूम करने पर कई सारी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं, जैसे कि स्टमक पेन, ब्लॉटिंग और यहाँ तक कि डायरिया भी। लेकिन अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन लैक्टोज फ्री डाइट को फॉलो करता है तो वो इन सभी सिम्टम्स से बच सकता है। इसके अलावा टू टाइप के लोग और होते हैं जो कि लैक्टोज फ्री डाइट लेना प्रेफर करते हैं। एक वो लोग जो पर्सनल रीजन की वजह से अपने मिल्क कंजम्पशन को कम कर देते हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स को कम से कम लेते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो प्रोटीन से एलर्जिक होते हैं। ऐसे लोग भी मिल्क और कैसेनो वे जैसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। तो आइए दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो कि आपको खाने चाहिए। अब अगर दोस्तों हम कुछ ऐसे फूड्स की बात करें जो कि आप लैक्टोज फ्री डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, तो इनमें कई सारे फूड्स आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में। दोस्तों अगर आप लैक्टोज फ्री फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो इनमें शामिल हैं एप्पल, ऑरेंजेस, बेरीज, पीचेस, प्लम्स, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स और मैंगोज। वेजिटेबल्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो अनियन, गार्लिक, ब्रोकली का प्रयोग आप कर सकते हैं, केल, स्पिनच, एरुगुला, कोलर ग्रीन्स, जुकीनी और कैरेट्स। अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो आप बीफ, लैम्ब, पोर्क, व्हील को खा सकते हैं। पोल्ट्री अगर दोस्तों प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें आप चिकन, टर्की, गूज डक को कंज्यूम कर सकते हैं। सी फूड में आप टूना खा सकते हैं, मैकरल, सैल्मन खा सकते हैं, लॉबस्टर, सार्डीन्स और क्लैम्स दोस्तों खा सकते हैं। एग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एग योग और एग वाइट खा सकते हैं। सोया फूड्स में आप टोफू, टैम्पे, नेटो मिसो आप कंज्यूम कर सकते हैं। दालों की दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, लेंटिल्स, पिंटो बीन्स और चिकपीस आप खा सकते हैं। होल ग्रेन्स में दोस्तों आप बार्ले खा सकते हैं, बकवीट आप ले सकते हैं, क्यूनोआ आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा वीट, फेरो और ओट्स को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। नट्स में आप ले सकते हैं आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्टैचियोज, कैश्यूज, ब्राज़ील नट्स और हेजल नट्स। सीड्स की अगर हम बात करें तो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। मिल्क के ऑल्टरनेटिव के दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप राइस मिल्क ले सकते हैं, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, कोकोनट मिल्क, कैश्यू मिल्क और हेम्प मिल्क आप कंज्यूम कर सकते हैं। लैक्टोज फ्री योगर्ट भी आप ले सकते हैं जिनमें शामिल हैं कोकोनट योगर्ट, आलमंड मिल्क योगर्ट, सोया योगर्ट और कैश्यू योगर्ट। कुछ हेल्दी फैट्स के लिए आप ले सकते हैं एवोकाडोज, ऑलिव ऑयल, सीसम ऑयल और कोकोनट ऑयल। वहीं हर्ब एंड स्पाइसेस की बात करें तो आप कंज्यूम कर सकते हैं टर्मरिक, ओरिगैनो, रोजमेरी, बेसिल, डिल एंड मिंट। एट लास्ट अगर हम बात करें बेवरेजेस की तो आप वाटर को लिटरली कंज्यूम कर सकते हैं, इसके अलावा टी, ब्रूड कॉफी, कोकोनट वाटर एंड जूस। तो दोस्तों ये कुछ बहुत लंबी लिस्ट है फूड्स की जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं जिनमें लैक्टोज नहीं पाया जाता है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए। तो ऐसे फूड्स में शामिल हैं दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क। मिल्क में भी दोस्तों कई तरह का मिल्क है, जैसे कि गाय का मिल्क, गोट मिल्क और बफलो मिल्क। चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए।
स्पेशली सॉफ्ट चीज जैसे कि क्रीम चीज, कॉटेज चीज, मोजरेला एंड रिकॉटा। इसके अलावा बटर, योगर्ट, आइसक्रीम, फ्रोजन योगर्ट, डेयरी बेस्ड सर्विट को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ में बटर मिल्क, सार क्रीम और व्हिप्ड क्रीम भी आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट दोस्तों आपको अवॉइड करने चाहिए जो कि प्रिपेयर्ड होते हैं, जैसे कि कन्वीनियंस मिल जो कि रेडी रहते हैं, इंस्टेंट पोटैटो मिक्सेस, क्रीम बेस्ड और चीजी सॉसेस, सूप्स और ग्रेवीज, ब्रेड, टॉर्टिलास, क्रैकर्स और बिस्किट। इसके अलावा बेकड गुड्स या फिर डेजर्ट्स, क्रीम वेजिटेबल्स, कैंडीज, चॉकलेट्स या फिर कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा वेफल, पैनकेक, मफिन और केक मिक्स। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि देख सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको ज़रूर अवॉइड करने चाहिए अगर आप एक लैक्टोज फ्री डाइट को फॉलो कर रहे हैं। अब लास्ट में सवाल उठता है कि ये कैसे जाने कि आप एक लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर नहीं। ऐसे में अगर आप दोस्तों ये जानना चाहते हैं कि आप लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को ज़रूर चेक करें। ऐसे में अगर आपको जानना है कि इसमें लैक्टोज है या नहीं तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको लैक्टोज लैक्टोज के नाम से ही देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बटर, बटर मिल्क, चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, क्रीम, कर्ड, इवेपोरेटेड मिल्क, गोट्स मिल्क, लैक्टोज, माल्टेड मिल्क, मिल्क, मिल्क बाय प्रोडक्ट्स, मिल्क कैसिन, मिल्क पाउडर, मिल्क शुगर, पाउडर्ड मिल्क, सार क्रीम, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। और इंग्रेडिएंट जैसे लैक्टेट, लैक्टिक एसिड एंड लैक्टोब्यूमिन के नाम से लैक्टोज से काफ़ी सिमिलर लगते हैं, इसलिए काफ़ी लोग ये समझ लेते हैं कि ये भी लैक्टोज को इंडिकेट करते हैं, पर ऐसा नहीं है, इनका लैक्टोज से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की कैसे आप लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं और फिर इस डाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।